का जो पैमाना होता है वो उसमें बहुत बड़ा रोल पैसा ही प्ले करता है कि पैसा से हम किसी की भी कामयाबी नापते हैं। तो आज हम उन्हीं नियमों पे बात करेंगे दोस्तों। और दोस्तों किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, किसी भी काम को करने के दो तरीके होते हैं, एक होता है प्रोफेशनल वे और दूसरा होता है नॉन प्रोफेशनल। प्रोफेशनल वे क्या हुआ कि जैसे बताया गया काम को वैसे करना, और नॉन प्रोफेशनल वे क्या हुआ कि अपना तरीका बना लीजिए। साहब बताया कुछ भी जा रहा है वो बताते रहे, जो कुछ बता रहा है आप अपना तरीका बता लीजिए। ये दुनिया के सारे काम को करने का तरीका होता है दोस्तों। आपने देखा होगा कि कहीं ना गली मोहल्ले में कोई एक दर्जी बड़ा फेमस हो जाता है, एक समोसे वाला बहुत फेमस हो जाता है, कभी कोई हलवाई बहुत फेमस हो जाता है, किसी के गुलाब जामुन फेमस हो जाते हैं। दिल्ली के अंदर लस्सी, अगर लस्सी की बात करें तो दिल्ली कैंट में अगर लस्सी वाले मोहल्ले में भी कुछ लोग होंगे जिसमें कुछ फेमस होगा। दोस्तों समोसे की दुकानें तो बहुत है, फिर कुछ एक फेमस क्यों हो जाता, क्योंकि दोस्तों वो जो चीज उनको एक एक चीज में वो परफेक्ट रखते हैं, उनका सारा मिश्रण सब कुछ परफेक्ट होता है, कुछ भी वो चीज होती वो एक तरह से जो बताया जाता ना कि अच्छी डिस्को जो चीज चाहिए वो सारा का सारा कर रहे होते हैं। तो ऐसे दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग दुनिया के सारे बिजनेस की तरह वैसे ही नेटवर्क मार्केटिंग है। इसको भी करने के दो तरीके हैं, एक प्रोफेशनल वे एक नॉन प्रोफेशनल वे। इसको और अच्छे से समझते हैं हम लोग, सब लोगों ने कभी ना कभी क्रिकेट तो क्रिकेट गली मोहल्ले में क्रिकेट इंटरनेशनल नहीं मोहल्ले के अंदर मैं अपना मैंने कैसे खेला, फिर आप लोग मुझे सबने किस तरह से खेला है। अब मैं अपना 10 लड़के जमा हो करण सर एक रिक्वेस्ट कर, कम आ रही है, बोल रहे हैं कि आवाज में कम आ रही है सर। अभी ठीक है क्या? अब ठीक है शायद इसको अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक आ रही है सर। हाँ जी सर अभी ठीक आ रही है, अभी ठीक है आवाज। चलिए जो बता दें। हाँ ठीक है, तो हम 8-10 लड़के जमा हो जाया करते थे और 5-5 लोगों की टीम बांट लेते थे, 5 एक तरफ 5 एक तरफ, और गली में ईंट लगा के विकेट बना लिया करते थे। कभी हम लोग दीवार पे 3 लाइनें लगाते थे, ईंट उठाते थे, ईंट से 3 लाइनें लगाते थे, विकेट बना लेते थे, या कभी ईंटें लगा ली। बॉल के नाम पे उस समय अंडा चलता था, प्लास्टिक का अंडा आया करता था, प्लास्टिक की बॉल, या फिर जो क्रिमिज की बॉल जिसे टेनिस खेला जाता है वाली बॉल होती थी, वो बॉल ले लिया। 5-5 ओवर 6-6 ओवर का मैच खेलते थे, एक दिन में 5-6 मैच खेल लिया करते थे। पीछे का कोई रन नहीं होता था, कभी लेग का रन होता था, कभी ऑफ का रन हुआ करता था। आखिरी प्लेयर 2 रन दौड़ के लेगा, लास्ट प्लेयर 2 रन कंपल्सरी, यानी 5 लोग बटे है ना, तो 4 तक तो 2-2 लोग दौड़ेंगे, उसके बाद आखिरी प्लेयर भी खेलेगा अगर कुछ ओवर रह गए। कई बार हम सिर्फ किसी के घर पर गई वो खिलाड़ी आउट हो जाए जिसे बॉल मारी, कई बार बॉल भी लेके वही आएगा अगर घर से बॉल नहीं मिली, और कुछ नुकसान हुआ तो सारे मिलके उसको करेंगे। पैर पे अगर बॉल 3 बार लग गई तो LPW आउट, नो बॉल और वाइट बॉल का रन नहीं मिलेगा, बॉल दोबारा फेंकी जाएगी। पीछे भी रन नहीं, अगर बैट से लग के बॉल पीछे गई तो वो रन नहीं माना जाएगा। पीछे विकेट कीपिंग जो बैटिंग कर रही है वही करेगी, पीछे प्लेयर नहीं लगाते थे, 5 लोग होते थे, कभी इधर बांट दिए। ऐसे क्रिकेट मैंने खेला है, आप लोगों ने तो आप लोग कहेंगे हाँ जी कुछ मिलते जुलते नियम है, और 1 टिप 1 हैंड भी आउट होता था, एक टप्पा पड़ के अगर एक हाथ से कैच कर लिया तो 1 टिप 1 हैंड वो खिलाड़ी आउट हो जाएगा। ऐसे मैंने खेला है, आप लोगों ने, आप में से कुछ लोग कहेंगे हाँ जी मिलते जुलते नियम होते थे, सेम नियम होते थे, गली मोहल्ले में ऐसे क्रिकेट खेला जाता है। दोस्तों ये क्रिकेट आपने और मैंने खेला, और एक क्रिकेट खेलता है विराट कोहली। मुझे आप बताइए क्या किसी मैच में ऐसा हो सकता है कि विराट कोहली ये बोले कि आज के मैच में जितनी मर्जी बार बॉल मेरे पैर पे लगे मैं आउट नहीं मानूंगा। आप बोलते हो तो मैं खेलने आऊं, वरना मैं नहीं आ रहा खेलने। क्या ऐसा हो सकता है कभी कि वो ये बोले कि बॉल मेरे पैर पे लगने तो जितनी मर्जी बार लगेंगे पर मैं आउट नहीं मानूंगा, क्या हो सकता है? आप कहेंगे नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता। दोस्तों चाहे कितना भी जरूरी मैच क्यों ना हो, विराट कोहली, चाहे भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच क्यों ना हो, विराट कोहली ने पहली बॉल फेस की, बॉल अगर विकेट में जा रही है, विराट का पैर बीच में आया और एम्पायर ने अगर उसे आउट दिया तो विराट को क्रीज छोड़नी पड़ेगी, चाहे पहली बॉल क्यों ना फेस की। मुझे बताइए विराट कोहली कौन से नियम फॉलो कर,
विराट कोहली फॉलो करता है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिलिंग ने जो नियम बनाए हैं उनके, और उसको विराट फॉलो नहीं करता, पूरी दुनिया के अंदर जितने देश क्रिकेट खेलते हैं सारे करते। और आपको मालूम है उसमें विकेट का साइज है, पूरे वर्ल्ड में एक साइज की विकेट लगती है, मर्जी नहीं चलती कि किसी ने इतनी लगा ली किसी ने इतनी, नहीं बॉल है साहब इतने वजन की बॉल होगी, बैट का वजन है, क्रीज जो है 22 गज की जो क्रीज है वो उतनी ही होगी क्रीज, जो बाउंड्री है उसका साइज होगा उससे थोड़ा बहुत अप डाउन कहीं का, सेम चीज एक पैमाने उससे कम ग्राउंड होगा तो उसको दर्जा नहीं दिया जाएगा क्रिकेट खेलने का। वो लोग जो करते हैं दोनों में फर्क कैसा, एक क्रिकेट आपने मैंने खेला, एक क्रिकेट विराट कोहली, आइए मैं आपको फर्क बताता हूँ। तो क्रिकेट हमने खेला, क्या उस क्रिकेट से पैसा आया हमें? कहेंगे नहीं साहब पैसा तो कुछ नहीं आया हमें। अच्छा नाम हुआ हमारा, नाम कैसे हुआ हम जानते हैं, मोहल्ले वाले कैसे हमें याद कर रहे थे, किसके शीशे तोड़े, किसके घर में बॉल गई, कैसे हुआ मालूम है हमें। अच्छा वो मैच खेले हुए हमें आज याद है क्या? आज याद है? चौथी बात, क्या हमने एंजॉय किया? हम कहेंगे इस बात पे डन आते हैं, हाँ जी हमने उस दिन बड़ा एंजॉय किया, हमें रात तक वो सारे मैच याद रहे, हम अगर चार मैच खेले चारों हार गए तो हमने किसी पे ब्लेम लगाया, यार उसने ऐसा कर दिया उसने ऐसा कर लिया वो ऐसी बॉल करा देता हम ये जीत जाते, एक मैच जीते जीते हार गए, काश हम एक जीत जाते तो कम से कम तीन ही हारते, या हमने चारों मैच जीते तो खुशी थे हम लोग इसकी वजह से जीत गए, इसने क्या बैटिंग की क्या बॉलिंग की। अच्छा क्या आज याद है हमें वो मैच? नहीं है यार, हमने एंजॉयमेंट जरूर किया, यानी हमें पैसा भी नहीं मिला, हमें पैसा भी, हमारा नाम भी नहीं हुआ, हमें वो मैच भी आज याद नहीं है, सिर्फ हमने एंजॉयमेंट करा, चार चीजों में एक चीज हमारे पास आई। अब मैं बात करता हूं जो विराट कोहली मैच खेलता है, पैसा मिलता है इनको? आप कहेंगे हाँ सर, भर के पैसा मिलता है, दबा के पैसा मिलता है, क्रिकेट में इतना ज्यादा पैसा है कि लोग और कोई खेल की तरफ जा ही नहीं रहे, कह रहे सब क्रिकेट में जा रहे हैं, इतना पैसा। अच्छा नाम होता है इनका? नाम के बारे में मैं आपको बताऊं, जैसे हमें कुछ देशों के नाम नहीं पता, हमें जब सुनने को मिलता तो हम हैरान होते, बोला अच्छा जी ये भी देश है क्या कोई, ऐसे ही विदेशों को भारत नहीं पता, उन्हें इंडिया नहीं पता कि साफ इंडिया देश है, पर वहां पे सचिन तेंदुलकर पता है उन्हें। जी हाँ, सचिन तेंदुलकर का नाम ना भारत से बड़ा है, इंडिया से बड़ा नाम है सचिन तेंदुलकर। कई लोगों को सचिन के बाद पता चला कि साहब ये सचिन कहाँ है, कौन सी कंट्री, बोला इंडिया, बोला इंडिया क्या है साहब, बोला इंडिया देश है, बोला अच्छा जी इंडिया भी कोई देश है, यानी सचिन का नाम भारत से बड़ा है, इस लेवल पे नाम होता है साहब इनका, इस लेवल पे नाम होता है इनका, कि वो देश भी जानते हैं जो इंडिया को नहीं जानते, वो भी सचिन को, सुनील गावस्कर, कपिल देव, विराट कोहली उन्हें जानते हैं। अब बात करते हैं क्या हमें आज के मैच याद नहीं है, उस समय खेले मैच हमें आज याद नहीं है, इनके मैच मैं आपको बताऊं, विराट कोहली की स्टेटमेंट थी कि जब वो बैटिंग को सीख रहा था तो उसने सुनील गावस्कर के वीडियो को रिप्ले करके किया कि एक सुनील गावस्कर 5'2" का व्यक्ति कैसे वेस्ट इंडीज के 6'2" के बॉलरों को कैसे फेस किया उसने, और उस समय नियम पता क्या था, 6 की 6 बॉलें आप फेस पे दे सकते हो, आज तो एक बॉल पे ऐसे एम्पायर कर देता है और दो पे कर देता है 9 बॉल, यानी पूरे मैच 6 बॉलों में एक बॉल फेंक सकते, उस समय 6 की 6 बॉल और व्यक्ति सामने खड़ा है 5 फीट का, और गावस्कर का रिकॉर्ड वेस्ट इंडीज के खिलाफ शानदार है और देशों के खिलाफ, तो अब वो विचार नहीं है साहब कि कैसे किया इसने, तो विराट कोहली ने उसको रिप्ले करके देखा। और मैं आपको बता दूं एक और जनरल नॉलेज, आने वाली जनरेशन, हमारी आने वाली जनरेशन विराट कोहली को रिप्ले करके देखेंगे, जैसे अभी बहुत सी जनरेशन सचिन तेंदुलकर को रिप्ले करके देख रहे हैं, यानी इनका नाम भी हुआ, इन्हें पैसा भी मिला, इन्होंने एंजॉयमेंट किया। यस सचिन को क्रिकेट छोड़ दिया है 3 साल से, पर 3 साल से रोज प्रैक्टिस करते हैं, वो एंजॉय उन्होंने भी बहुत किया मैच को, यानी वो सारे काम हुए, हमारे पास सिर्फ एक काम हुआ, हमने उस दिन मैच को एंजॉय किया। दोस्तों जो हमने क्रिकेट खेला था वो था नॉन प्रोफेशनल, जहां कोई नियम नहीं था, हमने जैसा माहौल देखा, जैसा चीज देखी, जैसी पिच देखी, वैसे हमने कर लिया, और जो वो लोग खेलते हैं वो प्रोफेशनल वे से खेलते हैं दोस्तों, जहां सब कुछ हुआ। अब मैं आपको बताने जा रहा हूं नेटवर्क मार्केटिंग भी बिल्कुल ऐसे, या तो इसको वैसे कर लो जैसे नेटवर्क मार्केटिंग कहती है, या आप अपने नियम बनाओ। मैं किसी को ये नहीं बोलूंगा आपको क्या करना चाहिए, मैं सिर्फ ये बता दूं कि अगर आपने इसमें अपने नियम बनाए, अगर आपने अपने नियम बनाए, तो सबसे पहली बात पैसा तो भूल जाइए साहब, या आप सोचे पैसा आएगा, भूल जाइए साहब, क्योंकि आप अपने नियम से खेल रहे हैं, आपने उस नियम को खोला। दूसरी बात नाम, नाम तो रहने दीजिए साहब, कि कोई जानेगा भी आपको इसके अंदर। और बात करें एंजॉयमेंट, तो साहब एंजॉयमेंट छोड़िए, जब आप इस इंडस्ट्री से हटेंगे ना 3 महीने 4 महीने बिता के, तो जब जब एमएलएम का नाम आएगा ना आपको गुस्सा आ जाएगा, आपका बीपी बढ़ जाया करेगा, आप अपने आप को कोसोगे कि यार कौन सी वो घड़ी थी जब मैंने एमएलएम कर लिया, मैं क्या मेरे मेरी अकल पे पत्थर पड़ गए थे क्या, क्यों
मैंने एमएलएम को ज्वाइन कर दिया, आपको गुस्सा आएगा, आपका बीपी बढ़ जाएगा, आप एमएलएम को चारों तरफ से करो तो एंजॉयमेंट तो छोड़ दीजिए साहब, कि आप एंजॉय कर पाएंगे उस टाइम, ये कुछ भी नहीं होगा। और मुझे गुस्सा तब नहीं आता कि जब आप इस इंडस्ट्री को गाली देते हैं, मुझे गुस्सा तब जरूर आता है कि जब आप अपनी गलती नहीं खोजते और सारा का सारा ठीक रहा इस इंडस्ट्री पे फोड़ देते हो, तब आप ये नहीं देखते कि क्या आपने जो इस इंडस्ट्री ने कहा था, जो करने को कहा था, आपने वैसे किया या नहीं किया। आप वहां नहीं खोजते, आप अपने आप से सवाल नहीं करते और सारा का सारा ठीक रहा इस इंडस्ट्री पे फोड़ देती हो। और मैं आपको बता दूं, ऐसे मिलेंगे अभी आपको बाहर, अभी आप जब जाएंगे ना बाहर नेटवर्किंग करने, लोगों के पास प्लान दिखाने जाएंगे, तो बड़े मनुभाव मिलेंगे आपको ऐसे, जो आपको सारा ज्ञान दे रहे होंगे, ज्ञान से दे रहे होंगे, जैसे पता नहीं 10-10 लाख रुपए हर महीने कमा के 2 साल कमा के बैठे हुए, इतना ज्यादा सारा सारा ज्ञान दे रहे होंगे आपको, ज्ञान ऐसे दे रहे होंगे जैसे 4 किताब लिख चुके नेटवर्क मार्केटिंग के ऊपर, सब कुछ समझा रहे होंगे आपको, अरे क्या ये चीज कर करके छोड़ दी, वो करता था, वो ऐसा कुछ नहीं होगा, हमारे साथ कुछ नहीं होगा, ये सारे के सारे वही लोग हैं साहब, ये सारे के सारे, इसमें सारे ऐसे भी मिल जाएंगे जो आपको अच्छा मोदी कहता हमने करके छोड़ दी, हमने करके छोड़ दी, ऐसे बोलेंगे ऐसे पता नहीं कितने झंडे झंडे गाड़े होंगे। तो ये सब लोग मिलेंगे और ज्यादातर लोग वही है। अभी मैं आपको नियम बताने वाला हूँ, नियम बहुत सारे हैं, देखो कामयाब होने के नियम बहुत सारे हैं, बाद में बात करूंगा, आपने बस चेक करना है, अपने आप को चेक करना है, वो सारे फॉलो कर रहे हैं क्या आप बिल्कुल उन नियम के साथ, बस आप चेक करते चले जाइएगा, आप सबके साथ जहां कमी लगो, जहां लगे कि नहीं ये थोड़ा सा मेरा लैक है, इसको मैं ऐसे नहीं कर, तो सुधार लीजिए, आप आएंगे पूरे तरीके से कामयाब होंगे। यहाँ इतने तो कामयाब नहीं हो रहे, किस्मत से कामयाब नहीं हो रहे, कुछ नियम है जिसकी वजह से कामयाब हो रहे हैं दोस्तों। नियमों का जो बेचे यानी जो नया व्यक्ति जुड़ता है उसके लिए बहुत महत्व है। आइए शुरुआत करते हैं पहले नियम से। पहला नियम है दोस्तों सेल्फ यूज, सबसे पहला नियम सेल्फ यूज, मैं नियम नहीं कहता इसको, मैं उटका कहता हूं, ये नियम है दोस्तों, ये टोटका है। टोटका मतलब कि इसके बगैर नहीं हो सकता कुछ भी, आप सोचेंगे इसको नहीं करेंगे नहीं हो सकता। और दो नियम मैं बताऊंगा प्रोडक्ट के लिए जो लोग आते हैं उनके लिए, और बाकी सारे नियम 6-7 नियम पे बात करेंगे, बाकी सारे नियम बिजनेस के लिए, यानी बिजनेस के लिए जो पैसे के लिए आए हैं, और मुझे लगता है आप सारे के सारे लोग पैसे हैं। अच्छा, नियम को वही फॉलो करना ऐसा करने जो प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन हुआ है ना मोदी केयर में, उसको जरूरत नहीं है क्योंकि वो तो पैसों के लिए आया ही नहीं, वो तो किस बात के लिए आया था प्रोडक्ट लेने के लिए। ऐसे कौन से लोग होते हैं मैं आपको बता देता हूँ, कुछ लोग मोदी केयर में आप उनके पास जाते हो, घर खराब होती है या फिर वाइफ की तबीयत खराब होती है या किसी बच्चे को आपने सप्लीमेंट देना शुरू करा, उनको आराम आना चाहे सप्लीमेंट से, वो कहते हैं हमें तो ठीक लग रहा है, 15 दिन में, 1 महीने में, 2 महीने में, 3 महीने में आराम आता है। आप उनको बताते हो देखो आप ये लगातार कोर्स कर रहे हो, कोर्स लंबा साल भर चलेगा, आप एक काम करो अपनी आईडी लगा दो, हमारे यहाँ लॉयल्टी है 2000 की, 1800 का, 1800 रुपए की बिलिंग आपकी हो रही है, आप इसमें 700 और ऐड कर लेना। आप उन्हें लॉयल्टी समझा सकते हो कि अगर आपने ऐसे चाय की टीवी हमारे पास, नहाने का साबुन भी है, कपड़े धोने का भी है, पोछा लगाने का भी है, ऐसा 700 का ले लो, 1800 की सप्लीमेंट आपके पास आते ही है, तो आपकी हो जाएगी 6ठे महीने को फ्री, 7वें महीने 2 बार, वो 13वें महीने 2 बार फ्री। अब व्यक्ति को समझ में आया, उसने बोला बात तो आप फायदे की बोल रहे हो, 1800 का तो मैं लेता ही हूँ, चलो 2-2500 कर लेता हूँ। अब उसने फॉर्म भरा, मोदी केयर का फॉर्म भरा, मोदी केयर में जाने लगाई। मुझे आप बताइए वो पैसों के लिए आया है या प्रोडक्ट के लिए आया है? तो आप कहेंगे साहब पैसों, वो प्रोडक्ट के लिए आया है, पैसों से तो लेना देना नहीं था उसको, उसको प्रोडक्ट जच रहा था, आपने लॉयल्टी समझा दी। अब जो व्यक्ति आज यहाँ सुन रहा है और जो प्रोडक्ट के लिए आया है, पैसों के लिए नहीं जुड़ा, आप मेरे नियम को नहीं मानोगे ना, चलेगा, क्योंकि आप पैसों के लिए नहीं आए हो। पर बाकी जितने लोग यहाँ बैठे जो बोल रहे साहब हम तो पैसा ही कमाने आए हैं, हमें साबुन से मतलब नहीं था, हम तो पैसा कमाने आए हैं साहब, या हमें पैसा चाहिए, मैं मेरे से आप पूछे कि मैं किस लिए आया हूँ, तो मैं आपको बता दूं मैंने ये साबुन इसलिए बदला, मोदी केयर का साबुन इसलिए लिया कि साबुन के पीछे पैसा छुपा हुआ था, मुझे बताया गया था कि अगर मैं ये साबुन लूंगा तो मुझे पैसा आएगा, मुझे बताया गया था अगर ये चाय टाटा की चाय को लूंगा तो पैसा आएगा। मैंने कहा अगर नहाने दुकान बदलने से तो मैं त्याग, पूरे तरीके से पैसों के लिए आया, ऐसा बिल्कुल नहीं था साहब कि मैंने सोचा बैठ के कि यार मैं नहाता तो हूं ही, चलो नहाना तो है ही, चलो मोदी केयर ज्वाइन कर लो, नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं था कि मैंने कहा चाय तो पी नहीं है रोज, चलो मोदी केयर फॉर्म भर देते हैं, मोदी केयर से चाय की पत्ती लाए, यहां से चाय पियेंगे, नहीं था, इस सब में पैसा छुपा हुआ, मैं पूरे तरीके से पैसों के लिए आया था, इसीलिए वो नियम फॉलो करा। तो आप जितने लोग पैसों के लिए आए हैं, जिनका मकसद है ये मुझे, आप फॉलो करना
रहा हूँ, जो प्रोडक्ट के लिए है, प्रोडक्ट आपको छूट है, आप मत चाहे फॉलो करें तो भी चलेगा, क्योंकि आपका आपका मोटिव पैसा नहीं है, आप तो प्रोडक्ट के लिए ज्वाइन हुए थे, आपको तो लॉयल्टी चाहिए, वो लॉयल्टी आपको मिलेगी, पर उसमें भी कुछ ना कुछ प्राप्ति हो जाएगी। तो बस अब आप सोचें, देखें कितने कितने लोग हैं जो पैसों के लिए आए हैं, और सारे पैसों के लिए तो दोस्तों आप सबने फॉलो करना है। पहला नियम जो मैंने बताया, सेल्फ यूज। सेल्फ यूज नियम नहीं है, टोटका है पूरे तरीके से, इसके बगैर आप कामयाब नहीं हो सकते साहब, इसे तो मानना पड़ेगा, सेल्फ यूज। और ये दोनों के लिए नियम है, जो प्रोडक्ट के लिए आया उसको भी मानना है, अच्छा वो तो कर ही रहा है क्योंकि प्रोडक्ट के लिए आया। मोदी के नेटवर्क मार्केटिंग का नारा मैं आपको बता दूं, ये नेटवर्क मार्केटिंग का नारा किसी भी कंपनी में जाओ वहां नारा चलेगा, कि सात प्रोडक्ट यूज करे बगैर अप्रोच करने मत जाए। जब तक आपने अपनी कंपनी के सात प्रोडक्ट यूज नहीं कर लिए है ना, किसी को बताने मत जाए। ये पहला नियम है साहब, टोटका जिसे बोल रहा हूं, और ये सब कंपनी पे लागू होता है। अब मोदी केयर का नियम क्या है, मोदी केयर का नारा बता रहा हूं। मोदी केयर का बड़ा अच्छा नारा है, जो शायद मोदी केयर या एक कंपनी दो में और है, सब में नहीं है। वो नारा क्या है कि प्रोडक्ट अच्छे लगे तो लोगों को बता दो, खराब लगे तो हमें बता दो, हमें बता दो मतलब मोदी केयर को रिफंड कर दो, 25% प्रोडक्ट यूज करके विद इन मंथ मोदी केयर को प्रोडक्ट वापस दे दो। ये नारा मोदी केयर का। और जो पहला नारा बताया मैंने कि सात प्रोडक्ट यूज करे बगैर अप्रोच करने मत जाइए, किसी को अप्रोच मत करिए। सात प्रोडक्ट यूज करने में अगर आपको एक महीना लगता है ना, एक महीने बाद जाइए। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ दोस्तों, कोई भी सेल ना आप क्लोज करते हो, आपका अपलाइन क्लोज नहीं करता, आपका सीनियर क्लोज नहीं करता। आपको जान के हैरानी होगी, जब आप पैसा कमाने लगोगे ना, 50,000, 80,000, 1,00,000 रुपए महीना, 2,00,000 रुपए महीना, आपको मालूम आप दूसरी दुनिया के हो जाओगे। आप पृथ्वी के नहीं रहोगे, आप मंगल ग्रह, जुपिटर ग्रह, दूसरे ग्रह के हो जाओगे। अब आपको जब आप लोगों के पास जाओगे और बोलोगे ना, जैसे हमारे मलिक सर हो चुके हैं बाहर के, 15,00,000 कमाते हैं महीना, लोग बिलीव ही नहीं करते, बोला साहब 15,00,000 कमा रहे हैं, ये तो मंगल ग्रह के हैं, ये कर लेंगे, पता नहीं लोगों को लगता है इनकी दो नाके हैं, चार आंख है इनकी, और आप सब हो जाओगे, वो सारे लोग हो जाएंगे जो 50,000 कमाते हैं। अब जो ज्वाइनिंग आती है दोस्तों, और जो व्यक्ति बिलीव करता है वो आप पे करता है, वो व्यक्ति आप पे बिलीव करता है, आपके साथ सेल को आप क्लोज करते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे, एग्जांपल से समझा। आपके सीनियर आपके, आपने एक मीटिंग को अरेंज करा, मीटिंग अरेंज करा, लोगों को बुलाया, आपके सीनियर आए, उन्होंने डेमो प्लान दिखाया, सामने रखा, सारी की सारी चीज हुई, उस आपके गेस्ट को बड़ा अच्छा लगा, सीनियर चले गए, भैया आपका साबुन सच में ऐसा है या सर ने कोई ट्रिक की थी? अब आप मुझे बताओ, आपने प्रोडक्ट यूज नहीं करे, कल फॉर्म भरा, परसों गेस्ट बुला लिया, आ जाओ सर प्लान दे दो, आप क्या बोलने वाले, आपने तो प्रोडक्ट यूज ही नहीं करा। अब आप उसको यहाँ का वहां का ऐसी चार बातें करके जवाब दोगे, कुछ ना कुछ झूठ बोलोगे, कुछ वैसा बोलोगे जो आपने यूज ही नहीं करा, तो दोस्तों सेल क्लोज नहीं होगी, सामने वाला बिल्कुल समझ जाता है। और मैं ये मैंने नहीं बोल रहा हूँ, जो मैं बताने जा रहा हूँ आपको, ये बड़े बुजुर्ग बोलते रहे हैं कि जो ये समझता है ना कि सामने वाले को मैंने बेवकूफ बना लूंगा, उससे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है साहब। आपको ये लगता है कि मैं झूठ बोल के सामने वाले को झूठ बोल दूंगा कि मैं तो डिटर्जेंट इतने पैसे यूज कर रहा हूँ, तो साहब आपसे बड़ा बेवकूफ कोई नहीं है। आपको बता दूं मैं, आपकी हर व्यक्ति के साथ दो चीजें बात करती हैं, एक लिप्स बात करते हैं जहां से आवाज निकलती है, और एक आंखें बात करती हैं। आंखें ऑलवेज तब बात करती हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं, और कॉन्फिडेंस आपका तब आता है जब आपने प्रोडक्ट यूज करा होता है। आपने यूज नहीं करा ना, कॉन्फिडेंस सब पता चलता है साहब, कि आपका कॉन्फिडेंस किस तरीके से कैसे लूज है। यानी आपके लिप्स बोल रहे हैं कि आपने प्रोडक्ट यूज करा है, पर आंखें क्या बोल रही है कि आप झूठ बोल रहे हो साहब, और सामने वाला सब समझ लेता है। रोटी को चोची नहीं कहता वो साहब, वो बच्चा नहीं है, 18 साल से ऊपर वाले को बुलाया आपने, वो सब समझ गया पूरे तरीके से। तो वो कोशिश नहीं कीजिए, आपने नहीं यूज करा तो बता दीजिए कि मैंने भी करना है, वरना बिल्कुल सच बोलिए। और दोस्तों सेल वहां क्लोज होती है, सेल वहां क्लोज होती है। और मैं बताऊं आपको, आपने इसके साथ साथ राइस ब्रैन ऑयल का तो डेमो नहीं होता ना, हमारा शैम्पू का तो कोई डेमो नहीं होता ना, आपने वो और बता दिए, आपने राइस ब्रैन ऑयल बता दी कि अब तुझे बताता हूँ भाई, तीन दिन से वाइफ तेरी भाभी पराठे वगैरह बना रही है, जो अब तो ऑफिस लेके आता हूँ बिल्कुल सॉफ्ट होते हैं, मैं तो खुद हैरान हो गया कि ये क्या हुआ, अब तक तो जो होते थे पूरे हार्ड हो जाते थे 2 बजे तक, पर अब सॉफ्ट हो रहे हैं। वो जो बात आपने बोली ना, और दिल से बात निकली, आपको क्या बोलना है, जो महसूस करा वही बोलना है आपने,
जो महसूस करा, यानी प्रोडक्ट अच्छे लगे तो लोगों को बता दो, खराब लगे मोदी केयर को रिफंड कर दो, वापस कर दो, अच्छा नहीं लगा ना वापस कर दो। तो दिल से जब आप बोलेंगे ना तो आप नहीं बोलेंगे साहब, आपकी आंखें भी बोलेंगे, और आंखें ऑलवेज तब बोलते हैं जब आप कॉन्फिडेंट होते हैं। इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि सेल्फ यूज नियम नहीं है साहब, टोटका है पूरे तरीके से। आप इसको करने के बाद जाएंगे ना सात प्रोडक्ट के बाद, आप कहीं फेल होने ही नहीं है। क्या कहा जाता है साहब कि जो व्यक्ति 3 महीने प्रोडक्ट आपसे ले लेना और फॉर्म नहीं भरा है, यूजर बन के 3 महीने प्रोडक्ट मंगा लिया उसने लगातार, एक बार उसे ऑफर करो साहब, एक बार उसके घर बैठो, एक बार बताओ उसे प्रोडक्ट की प्लान क्या है, उसे बताओ कि तुमने इतना करोगे तो ये आ जाएगा, वो ज्वाइनिंग आ जाती है साहब। और सुनिए, जब वो 3 महीने प्रोडक्ट लेता है ना, वो बिना बताए रह ही नहीं पाएगा, वो बिना बताए। उसने जरूर लोगों को बताया होगा जाने अनजाने, जैसे हम लोग सब सब बताते रहते हैं, तो मैं ये पेस्ट यूज कर रहा हूँ या तो मैं उस साबुन से नहा रहा हूँ, क्योंकि 3 महीने लगातार मंगा लिया उसने, आपको कॉल करके मंगाया। ये वही है दोस्तों कि उसकी आंखें बात करती हैं, और वो जब अप्रोच करता है ना, शानदार अप्रोच करता है, उस प्रोडक्ट को वो बहुत बढ़िया तरीके से बता पाएगा। क्यों? क्योंकि वो 3 महीने से इसको यूज कर रहा था और अब आपने उसे ज्वाइन कराया है, और बोलिए सिर्फ तुम इस प्रोडक्ट को बताना, देखो कैसे बताएगा वो 3 पॉइंट आपको एक्स्ट्रा बता देगा उस प्रोडक्ट की खासियत जो आपको नहीं पता होगा। मेरे पास जितनी चीजें है ना, ये सब आप लोगों ने बताएंगे। मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, ओ मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोले ना देई, तू है किसे होर ली तू। सारे के सारे लोगों ने एक ब्रांड सेट कर रखा है, सबके सब लोगों ने एक ब्रांड को पूरी तरीके से सेट किया हुआ है, सब लोगों ने ब्रांड को सेट किया, सेट सेट कर रखा है, वो अपने जगह पे है। अब आप उससे ये बताते हैं कि इस प्रोडक्ट को लेना है। मेरे साथ भी यही था, मैंने 2000 को मोदी केयर को शुरू करा, 15 और 2000 को, और मोदीकर को देखने आया था मैं 10 या 11 तारीख, और 7 या 8 तारीख को घर में सारा राशन रख के आया था, सारा राशन घर में पड़वाया था। मुझे नहीं पता था कि जो मैं कंपनी देखने जा रहा हूँ क्या क्या प्रोडक्ट है, मुझे आइडिया नहीं था। मैं सर देखने आया, जब देखने आया तो मैं देख रहा हूँ पेस्ट भी है, सब कुछ है। अब सेल्फ यूज को मैं जानता हूँ, क्योंकि बहुत सी कंपनियां मैंने इससे पहले ऐसी की है जिनके पास सिर्फ 4 प्रोडक्ट हुआ करते थे पूरी कंपनी में, 4। मैंने एक कंपनी एसटीबी की है, सिर्फ एक प्रोडक्ट एसटीबी भी मैंने कंपनी की है। अब जब यहाँ देखा तो साहब उस समय 350 प्रोडक्ट मोदी केयर के पास 300 के करीब थे, और सारे डेली नीड के। अब सेल्फ यूज को नियम को जानता हूँ, मैंने ऐसे करके ना कहते ना अंदर से उनको वहां नहीं बोला, मलिक सर को माथे पे हाथ मारा कि यार ये सारे तो मैं 7 तारीख 8 तारीख को घर पे रख के आया हूँ, और यहाँ वो सारे प्रोडक्ट 5 दिन बाद 4 दिन बाद मैंने मोदी करके शुरू करा। मैं सारे प्रोडक्ट दोबारा ले गया, सारे प्रोडक्ट खरीदे मैंने। मेरा पहला बिल था 3,880 रुपए, पहला बिल। अभी तो 1,000 रुपए पे ऑफर है ना, उस समय ऑफर 3,500 पे हुआ करती थी कि अगर आप 3,500 का सामान लेंगे तो ऑफर मिलेगी। इसके अलावा क्या था कि मैं सारे प्रोडक्ट लेना भी चाहता था, कि मैं ऑफर में भी आना चाहता था और सारे के सारे प्रोडक्ट लेना चाहता था। तो मैंने जितने प्रोडक्ट थे डेली नीड के सारे उठा लिए, सारे प्रोडक्ट उठा लिए और घर पहुंचा। घर पहुंचते मैंने वाइफ से बोला पेस्ट लेके आओ। अब हमारा पेस्ट सोचिए 7 दिन में क्या खत्म हुआ होगा। मैं 7 तारीख 8 तारीख को मैं रखा है घर में, और 15 तारीख को मैं नया पेस्ट ले आया हूँ। अब 7 दिन में क्या क्या खत्म होगा, इतना सा खत्म हुआ सिर्फ। मैंने वो रखा, अपना पेस्ट खोला, मैंने बोला इससे अब पेस्ट करना, और बोला कि बताना कैसा लगा। वो दिया, साबुन मंगाया, वाइफ साबुनदानी वाला लेके आया, मैंने जो पैक रखे ना वो भी लेके आओ, पैक वाले भी मंगाए, वो रखे टेबल पे। एक खोला अपना 4 वाला सेट खोला, एक उसकी पन्नी हटाई, साबुनदानी में डाला, मैंने कहा नहाना और बताना कैसा लगा। हर प्रोडक्ट के साथ बोलता गया बताना कैसा लगा। डिटर्जेंट वाइप डब्बे में निकाल के रख, मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, जो तुम जाओगे, मुझे छोड़ कर जो तुम जाओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे, बड़ा पछताओगे। सुनिया सुनिया गलियां दे विच रोले ना देई, तू है किसे होर ली तू। जितना बच्चा था सारा अलग रख दिया, और उसके बाद जानते रिजल्ट क्या हुआ, 3 दिनों के अंदर वाइफ ने बोला 17 प्रोडक्ट यस, 17 प्रोडक्ट बिल्कुल ठीक है। उसके बाद मैंने अप्रोचिंग की दोस्तों,
मैंने 3 दिन का वेट गैप किया, फिर मैंने बताना शुरू करा। मेरी सबसे बड़ी लेग, सबसे पहली व्यक्ति जो ज्वाइन हुआ मिस्टर राजकुमार, जो अभी भी सबसे बड़ी लेग है, उसको कॉल करा। मैंने कहा राजकुमार मेरा 16-17 साल का फ्रेंड, 2003 के अंदर हम लोग दोस्त बने थे, 17 साल का फ्रेंड, उसको कॉल करा। मैंने कहा राजकुमार मैंने मोदी केयर की एजेंसी ली है, मोदी केयर जिसके पास 250 से 300 प्रोडक्ट है, मोदी केयर जिसकी सबसे बड़ी खासियत कि अगर भाभी जी को प्रोडक्ट अच्छे नहीं लगे तो वापस हो जाएंगे, ये इस बात पे जरूर चौंका। बोला क्या? बोला वापस हो जाएंगे। मैंने कहा हाँ जी वापस हो जाएंगे। फिर पता नहीं थोड़ी देर में उसे दोबारा ध्यान आया, बोला यार करण एक बात बताओ, मैंने यूज ही नहीं करा, मुझे कैसे पता प्रोडक्ट खराब है, डब्बा बंद में थोड़ी ना पता। मैंने कहा अरे भाई डब्बा बंद नहीं, यूज करो, 25% खत्म करो, चाय को पी के देख लो, एक बार दो बार तीन बार, तीन बार में पता चल जाएगा ना चाय खराब है, वापस कर दो साहब। 3 दिन पी के देख लो, 3 दिन में 25% खत्म थोड़ी ना होती है। मैंने कहा 3 दिन पी लो, 5 दिन पी लो, वापस दे दो। कह रहा ओके वापस। बोला साबुन कैसे? मैंने कहा साबुन साहब नहाया हुआ आपका, वापस पसंद नहीं आया ना, मजा नहीं आया, आपके जैसा ना हो। मैंने हर प्रोडक्ट के साथ बोला कि जो आप कैटेगरी यूज करते हो ना, जिस लेवल का आप यूज करते हो, आपसे आपके लेवल का हो तो भी रख लेना, आपकी क्वालिटी ऊपर हो तो रख ही लेना, तब तो रखना बनता ही है, और उससे नीचे अगर हो क्वालिटी मुझे वापस दे देना, सारे प्रोडक्ट वापस दे देना। यानी जो स्टैंडर्ड आप यूज कर रहे हैं ना, उससे ऊंचा मिले या उसके बराबर मिले तो रख लेना। दोस्तों उसने एग्री करा, मिलना डन हुआ। उत्तम नगर मेट्रो स्टेशन के नीचे चाय वाले की दुकान पे मीटिंग सेट हुई। कोई सीनियर मेरे साथ नहीं, कोई डेमोक्रेट मेरे साथ नहीं, सिर्फ प्रोडक्ट कैटलॉग पकड़ा और अपनी पॉकेट के अंदर मैंने रखे 17 प्रोडक्ट की लिस्ट जो मैंने यूज करे थे, उसको कागज पे लिखा और पॉकेट में डाल दिया। उसको बैठा, कैटलॉग दिखाई, हमने सारे प्रोडक्ट बताए, मोदी के ये प्रोडक्ट बनाता है, ये सारे के सारे प्रोडक्ट है, और साथ में अपनी पॉकेट से लिस्ट निकाली, उसके सामने रख दी। मैंने कहा ये 17 प्रोडक्ट में अगर तुम कुछ भी छाटोगे, छोड़ो मोदी केयर को, मैं आपके घर आऊंगा, प्रोडक्ट मैं लूंगा, ये 17 प्रोडक्ट की मेरी गारंटी है, मोदी केयर की नहीं, मेरी गारंटी है, मैं आपसे वापस लूंगा घर आके। आपको प्रोडक्ट चाहिए होगा तो प्रोडक्ट रिप्लेस करके दूंगा, आपको पैसा चाहिए होगा तो पैसा दूंगा। दोस्तों मैं उस दिन 17 प्रोडक्ट ही क्यों बता पाया, क्योंकि मैंने वो 17 प्रोडक्ट का ही वाइफ ने बोला था डाल, बाकी पे अभी नहीं बोला। सप्लीमेंट का रिजल्ट तो 3 दिन में नहीं आता है ना, उनका तो बाद में पता चलेगा कि किस तरह के किस तरह के नहीं है, 3-4 साल महीने लग जाते हैं। आज मैं सब पे बोल देता हूँ, सारे सप्लीमेंट्स हर चीज पे, सिर्फ नेल कलर और लिपस्टिक को छोड़ के सारे प्रोडक्ट बोल देता हूँ कि ये सारे के सारे प्रोडक्ट हो जाएंगे वापस। आप कुछ भी लेते हैं जो अपनी फ्रंट को जोड़ता हूँ, सब पे गारंटी दे देता हूँ। अब आपसे पूछता हूँ मैं दोस्तों, आपको बहुत सारे लोग मिलेंगे जो ये बोलेंगे, जब आप बोलोगे ना मोदी केयर को 24 साल हो गए, 25 साल चल रहा है, तो कहेंगे अच्छा 24 साल हो गए, हमने क्यों नहीं सुना नाम इसका, उन्हें क्या लगता है कि आप झूठ बोल रहे हो। अच्छा वो उस पे डाउट कर सकता है कि मोदी केयर को 24 साल हो गए, 25 साल हो गए, आपकी दोस्ती जिससे 10 साल पुरानी है क्या उसमें कोई डाउट है, क्या उसमें कोई शक है? किसी को आप 5 साल से जानते हो तो 5 साल से जान रहे हो ना उसको। दोस्तों आप गारंटी तभी देने वाले हो, उतने ही प्रोडक्ट की देने वाले हो जो आपको जचेंगे। ऐसा नहीं होने वाला जो प्रोडक्ट आपने यूज ही नहीं करा, पता चला गारंटी देके आ गए, इधर आपका ही खराब निकला, उधर आपका आपके सर वहां से और आप उठा लाए हो, कैसे करने वाले हो। और दोस्तों नेटवर्क मार्केटिंग में वैसे भी कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति जब कंपनी को ज्वाइन करता है ना, तो कंपनी को बाद में ज्वाइन करता है, पहले एक इंसान दूसरे इंसान को ज्वाइन करता है। जी हाँ, पहले एक इंसान दूसरे इंसान को ज्वाइन करता है। राजकुमार पहले करण को ज्वाइन कर रहा था, बाद में मोदी केयर को ज्वाइन कर रहा था। हर जुड़ने वाला व्यक्ति पहले आपके साथ जुड़ता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल जितना होता है उसके अकॉर्डिंग वो काम करता है, और आप तभी दिला पाएंगे दोस्तों जब इसको यूज कर लेंगे। इसीलिए मैं इसको टोटका बोल रहा हूँ, मैं इसको नियम नहीं बोल रहा हूँ, टोटका बोल रहा हूँ। इसके बगैर आप कल्पना नहीं कीजिए। अगर किसी ने अभी तक नहीं करे ना, करके देखिए। और जो प्रोडक्ट आपने किया है, कोई मेरे शब्द नहीं पकड़ना कि चाय की पत्ती में क्या है, शैम्पू में क्या है, राइस ब्रैन ऑयल में क्या है, आप एक्सपीरियंस लीजिए क्या है, आपको कैसा लगा वो बोलिए। ट्रेनर के शब्द मत बोलिए, ट्रेनर ने क्या तारीफ कर दी, उसने क्या कर दी, आपने यूट्यूब पे जाके कोई वीडियो देख ली उसने क्या तारीफ कर दी, बिल्कुल मत बोलिए। आप क्या महसूस कर रहे हैं वो बात बोलिए, क्योंकि वही आप दिल से बोल पाएंगे और उन बातों में ही आप आंखें मिला के बात कर पाएंगे, नहीं से नहीं कर पाएंगे। इसलिए अपने शब्द खोजिए जो अच्छा लगा उस प्रोडक्ट। दूसरा नियम अब बताता हूँ दोस्तों, दूसरा नियम है, पहला नियम था सेल्फ यूज, दूसरा नियम है दोस्तों लॉयल्टी। आपने और लॉयल्टी आधी करनी है पूरी करनी है आपकी मर्जी। आधी पूरी क्या होती है साहब? आधी होती है 6 महीने की और पूरी होती है 1 साल की। कि आप 12 महीने तक जाएंगे या इसको 6 महीने में आधी लॉयल्टी करेंगे, जरूर हर जुड़ने वाले व्यक्ति से पूछिए कि आप आधी करेंगे या पूरी करेंगे।
12 महीने तक जाएंगे तो 3 बार फ्री मिलेगा, और 6 महीने के अंदर अगर आप करेंगे तो आपको 1 बार फ्री मिलने वाला है, तो टोटल मिला के 3 बार फ्री होने वाला है। इसमें कुछ नियम मोदी केयर ने बदलाव करे, मैं आपको बता देता हूँ। जैसे पहले स्टेशनरी लॉयल्टी में काउंट नहीं होती थी, अभी मोदी केयर ने उसे खोल दिया है। यानी 2500 का सामान पूरा करने के लिए अगर आप हमारी कैटलॉग को डलवाते हैं, उसमें जो 10 रुपए वाली कैटलॉग आती है, जो उसको 10 लेने पे 7 रुपए की एक हो जाती है, यानी 10 इकट्ठी ले लेंगे तो आपको 70 रुपए देने हैं, वो 70 रुपए भी लॉयल्टी में काउंट हो जाते हैं, जो कि पहले नहीं होते थे। ये मोदी केयर ने अभी खोल दिया है। दूसरा नियम बताता हूँ, कोई भी आपका नया व्यक्ति अगर ज्वाइन करता है, न्यू व्यक्ति ज्वाइन करता है, तो उसके लिए 3 महीने का समय होता है। उसको 3 महीने पूरे महीने दिए जाते हैं, उस पर 15 दिन का कैलकुलेशन नहीं चलती, 15 डेज की या 25 तारीख की। जैसे अभी कल लॉयल्टी खत्म हो गई है, कल लॉयल्टी का आखिरी दिन था 25 तारीख, आज हो गई है 26। अब अगर आपका कोई व्यक्ति ऐसा है जो कि 3 महीने ले लेंगे, महीना कौन सा चल रहा है, जून का, मई और अप्रैल, अगर आपने किसी को अप्रैल में ज्वाइन कराया था, अप्रैल आपने किसी को ज्वाइन करा दिया, तो अप्रैल मई और जून इसका तीसरा महीना, वो 2 महीने तो उसने 2500 करा या 1500 करा, और यहाँ पे वो 25 तक 1500 नहीं हो पाया, आज वो आज भी कर सकता है दोस्तों, उसके लिए पूरा महीना खुला हुआ है। यानी हर नया जुड़ने वाला व्यक्ति पहले 3 महीने उसे 15 तारीख का क्लॉज नहीं चलता, उस पर फर्स्ट 3 मंथ पूरे खुले होते हैं, आगे के 9 महीने वो पूरी लॉयल्टी में जाएगा, आगे के 9 मंथ आप उसे 15 तारीख तक ही करना या 25 तक करना है, जो मोदी केयर ने निकाला। मोदी केयर ने एक्सटेंड करी डेट तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा, वरना वो, पर पहले 3 महीने हर नए व्यक्ति के लिए फुल मंथ है। आप देखिए कौन सा, पहले 3 महीने बोलो तो पहले 3 महीने, जैसे एक व्यक्ति अप्रैल मई जून 3 महीने अप्रैल में जुड़ा, अब वो अप्रैल में जुड़ा उसने, आप कोशिश करते रहे भैया 2500 कर ले, उसे नहीं समझ में आया, अप्रैल निकाल दिया उसने, अब बचा है मई और जून, अब 2 महीने मिले उसे, क्योंकि डेट ऑफ ज्वाइनिंग से चलता है ये, आपकी लॉयल्टी करने से नहीं चलता, डेट ऑफ ज्वाइनिंग से चलता है, आप कब जुड़े थे। अब उसने पहला महीना निकाल दिया, अब बात करते हैं, अब आया मई और जून बचे, अब वो 2 महीने उसके पास पूरे महीने है। अगर किसी ने मई भी निकाल दिया साहब, आप समझाते रहे कर लो नहीं समझ में आया, अब वो आता है जुलाई में, जून में करने के लिए, तो दोस्तों जून उसके लिए पहला महीना होगा, अब यहाँ करना है, अगले अब बचे बाकी 11 महीने, उसे 15 तक ही करना है, यानी डेट ऑफ ज्वाइनिंग से 3 माह। अगला नियम जो उसने लॉयल्टी में चेंज करा मोदी केयर ने, जो बहुत बेहतरीन है, कोई पुराना व्यक्ति जो लॉयल्टी छोड़ चुका था, लॉयल्टी नहीं कर रहा था, या कभी लॉयल्टी उसने की नहीं, आपने लॉयल्टी समझाई उसको, जुड़े हुए 5 महीने 6 महीने हो चुका है, या इनएक्टिव था उस समय, अभी एक्टिव होने आया वो कि अब मैं काम करूंगा, अब आपने उसे एक्टिव करा, जब वो एक्टिव होने आया तो पहला महीना जो उसका होगा, यानी आपने जुलाई में जून में समझाया उसे, वो जून में आ गया काम करने, तो जून में उसे पहला महीना उसके लिए पूरा मंथ मिलेगा 2500 करने, पूरा महीना हो जाए, या वो पूरे महीने जितनी करेगा सारा का सारा लॉयल्टी में काउंट होगा, पूरा 30 तारीख, 30 का महीना है तो 30, 31 का है तो 31 पूरा का पूरा मिलेगा, बाकी के बचे हुए अब उसे बाकी 11 महीने जो बचे हैं अभी वो 15 तारीख के हिसाब से चलेगा, या मोदी केयर ने 20 तारीख कर दिया, 25 कर दिया, तो उसके अकॉर्डिंग चलेगा। यानी हर पुराना व्यक्ति चाहे कितना पुराना हो, जो पहली बार लॉयल्टी करने आ रहा है, उसकी डेट ऑफ जर्निंग से कोई पंगा नहीं है, कोई मतलब नहीं है, चाहे 5 साल पुराना हो, पहली बार जो 2500 करता है उसको पूरा मंथ मिलता है। तो आप आज भी देखिए कौन से हैं, तो किसी के लिए ऐसा व्यक्ति जो पहली बार आज लॉयल्टी कर रहा है ना इस मंथ में, तो 25 तारीख निकली नहीं है, अभी भी आप लॉयल्टी करा सकते हो उसको, या किसी को 3 महीने नहीं हुए हैं जुड़े हुए, यानी अप्रैल मई अप्रैल वाला व्यक्ति अगर उसको लग रहा है कि मैं लॉयल्टी मिस हो गई है, तो अभी मिस नहीं हुई है साहब, 30 तारीख तक करा सकते हैं, और इस महीने तो 1500 की खुली हुई है, 2500 की जगह 1500 करा सकते हैं। ये कुछ लॉयल्टी के नियम थे जो चेंज हुए, जो मैंने आपको बताया, तो आपने लॉयल्टी के अंदर रहना है। अब तीसरे नियम की बात करते हैं, तीसरा जो नियम है वो है दोस्तों लिस्ट बनाना, तीसरा पॉइंट है लिस्ट बनाना, आपने लिस्ट बनानी है दोस्तों, और लिस्ट के बगैर मोदी केयर में नहीं होते कामयाब। अब जो मैं आगे के नियम बताऊंगा ना, ये पैसे कमाने के लिए नियम है, या फिर यूं बोलूं, ये उनके लिए नियम है जो पैसा कमाने आए हैं, जो ये बोलते हैं साहब हम तो पैसे के लिए आए हैं। अब आपको बच्चे हुए, अब जितने नियम बताने वाला हूं सारे मानने हैं आपको, अब प्रोडक्ट वाले ने ये 2 मान लिए ठीक है, जो प्रोडक्ट के लिए आया आगे के नियम मेरे नहीं मानेगा ना चलेगा, उसे लिस्ट बनाने की नीड नहीं है। जो बोलता है साहब हम तो इसलिए जुड़े थे कि चाय तो पीते हैं, चलो मोदी कह रहे फॉर्म भर देते हैं, हमने फॉर्म दिया, अब चाय पी रहे, पैसा छोड़ो, पैसा हमारे पास बहुत है, तो साहब आपको अब मेरे आगे के नियम की नीड नहीं है। पर अगर आप बोलते हो साहब पैसों के लिए ही आया हूं, पैसा तो चाहिए ही चाहिए, जैसे सब लोग कमा रहे हैं मैं भी कमा सकता हूं, आपको ये फेत है ना, अभी आपको ये नियम मानने पड़ेंगे। अब नियम क्या है, लिस्ट आपको मोबाइल को निकालना है, ए से लेके जेड पे जाना, मोबाइल को निकालना, डायरी
डायरी पे नाम लिखने हैं, लिखेंगे कागज पे कब आना है मैं आपको बताऊंगा, आपने डायरी पे नाम लिखने हैं। अच्छा जब आप मोटो निकालते हैं और नाम देखते हैं, उधर नाम और नंबर आपके मोबाइल में सेव है, मैं आपको बता दूं 90% कैसे नाम और नंबर है। इधर व्यक्ति का नाम आया उसका चेहरा आपके जहन में आ जाएगा, इधर व्यक्ति का नाम आया उसका सारा व्यक्तित्व आपके जहन में आ जाएगा। चाचा जी का नाम आया ना आपको फट से याद आ जाएगा, चाचा जी जोड़ों में दर्द है। मामा जी का नाम आया इनको तो डायबिटीज से, का नाम कहीं कोई चल रहा है या कैसा नाम दे जाए, यानी व्यक्ति का नाम आया जहन पे आ गया। आपको एक व्यक्ति का नाम आया उसमें आया कि साहब जॉब तो करता है, 6 बजे 7 बजे घर आ जाता है जॉब करके, 8 बजे से 9 बजे तक 1 घंटा ट्यूशन पढ़ाता है। दोस्तों ये ट्यूशन पढ़ाना किस तरह कर रहा है, ये इशारा कर रहा है कि उस व्यक्ति को कुछ पार्ट टाइम नीड है, वो थोड़ा सा पैसा और अर्न करना चाहता है, इसीलिए उसे 5 लड़के 6 लड़के 7 लड़के बुला लेता है, 1 घंटा और देता है। आपका उधर मोबाइल में नाम देख रहे हैं ना, डी से नाम आया एक व्यक्ति का जो ओवर टाइम करता है और खासकर शनिवार को तो पूरी नाइट करता है क्योंकि संडे की छुट्टी होती है, बोला संडे आराम से उठना है तो शनिवार पूरी नाइट शिफ्ट लगाता है। अच्छा ये नाइट शिफ्ट लगाना किस तरह इशारा कर रही है, नाइट शिफ्ट लगाना फिर इशारा कर रही है कि इस व्यक्ति को फिर नीड है कुछ ना कुछ, ये फिर थोड़ी सी अर्निंग करना चाहता है, लिखिए नाम उसका आपने। आपको एक और व्यक्ति नजर आया कि जो व्यक्ति रोज ओवर टाइम करता है, आना तो चाहिए 6 बजे घर पे, पर जब आप फोन पे बात करते हो भाई 6 बजे छुट्टी, अरे नहीं सर भाई मैं 2 घंटे के लिए ओवर टाइम करता हूँ, मैं 6 बजे नहीं आऊंगा मैं तो 8 बजे आऊंगा क्योंकि 2 घंटे में ओवर टाइम करता हूँ। दोस्तों ये ओवर टाइम किस तरह इशारा कर रहा है, फिर उसी तरह इशारा कर रहा है इसको एक्स्ट्रा नीड है ये एक्स्ट्रा। आपने कुछ ऐसे लोग देखे होंगे जो जॉब तो कर रहे हैं पर घर के अंदर दुकान खोल दिए, घर में दुकान खोल दी क्यों, क्योंकि बाबूजी रिटायर हुए उनके पिताजी रिटायर हुए तो बोला रिटायर होके करेंगे दुकान में बैठ जाएंगे, कभी वाइफ कभी बाबूजी कभी बच्चा उस दुकान से कर रहा है। दोस्तों ये किस तरह इशारा कर रहा है फिर दुकान खोलना, ये फिर इशारा कर रहा है कि उस व्यक्ति को कुछ एक्स्ट्रा इनकम की नीड है, वो कुछ एक्स्ट्रा चाहता है। ये आपके सबसे पहले प्रोस्पेक्ट होने चाहिए। अब आपने इन सबके नाम लिखते चले गए तो जैसे आप मोबाइल में देखेंगे ना नाम और नंबर उनका चेहरा ध्यान जहन में आएगा। सिर्फ 10% आपके मोबाइल में नाम और नंबर ऐसे हैं कि आपको याद ही नहीं आएगा कि साहब है कौन ये, तो आप दिमाग को जोर डालते रहोगे यार कौन है समझ नहीं आएगा, उसे कॉल करना पड़ेगा। कॉल करके पूछो भाई साहब यहाँ का नाम और नंबर मेरे मोबाइल में है, नंबर तो नाम भी है पर मुझे याद नहीं आ रहा हम कब मिले। अब वो आपसे प्रॉब्लम करके याद करना, ये सिर्फ 10% है साहब आपकी, अगर 500 नाम है ना आपके मोबाइल में सिर्फ 50 नाम ऐसे होंगे, 450 नाम ऐसे हैं इधर नाम आया उधर चेहरा जहन में, उधर सारा व्यक्तित्व आ गया जहन में, क्योंकि है किनके नाम और नंबर मोबाइल में, आपके दोस्ती तो है, आपका दोस्त तो है जिससे कट्टी हो जाती है ना उसका सबसे पहले ब्लॉक होता है नंबर या व्हाट्सएप पे ब्लॉक होगा साहब, क्यों, क्योंकि आपकी कट्टी हो गई उससे या नाम सबसे पहले सेव हटा दिया जाएगा वहां से। तो जितनों का नाम रखा हुआ है ना सारे दोस्त हैं, आप सारे दोस्त हैं, सारे जानने वाले हैं, मिलने वाले हैं, सबसे बात हुई हुई है आपकी, आप बेटर से जानते हैं, मिले भी हुए हैं, वही नाम है। बस लिस्ट बना लीजिए, पहली लिस्ट आप बनाएंगे दोस्तों कम से कम 70 से 100 लोगों के नाम होने चाहिए, यस 70 से 100 ये कम नहीं चलेंगे। और लिस्ट बनाते हुए नहीं सोचना कौन करेगा कौन नहीं, ये प्री जज वाला काम आपने पहले नहीं करना। कैसे छटाई होगी अभी आपको बताऊंगा, आपने सिर्फ लिस्ट बनानी है बिना सोचे कौन करेगा कौन नहीं, 70 से 100 लोगों के नाम लिख लिए। अब उसमें से पहले किसको बुलाना है वो एक कागज पे लिखने हैं, उसमें से 25 नाम 25 या 30 नाम कागज पे लिखने हैं कि पहले आपने किनको बुलाना है। नाम तो 70 या 100 लिखने हैं, 25 या 30 अलग करने, ठीक है अभी डायरी पे करना है आपने। अब ये था तीसरा नियम, अब आइए चौथा नियम। चौथा नियम है मीटिंग, जो आपने 25 से 30 नाम लिखे ना कागज पे जिसे पॉकेट में रख लिया है आपने, जिनसे जिन्हें बुलाना है उन्हें उनसे आपने मीटिंग करवानी, उन्हें बुला के उनसे मीटिंग करवानी। ये जो दो नियम अभी मैंने बताए लिस्ट बनाना और मीटिंग कराना, तीसरा और चौथा नियम दोस्तों ये सबसे बड़ा नियम है। और मैं आपको बताऊं मोदी केयर में नहीं मैं बोल रहा, मैं नेटवर्क मार्केटिंग का इतिहास बता रहा हूं, 80% लोग ये दोनों काम नहीं करते, 80% लोग ये दोनों काम नहीं करते, और वो 80% वही लोग हैं जो फेलियर है। और यहां भी हो सकता है जैसे उनसे बोलो लिस्ट बनानी है, कहेंगे अरे लिस्ट तो जहन में है क्या करना क्या, अरे दोस्त मत घबराओ, अरे 4 जोड़ने हैं ना मैं जोड़ दूंगा। ये नेटवर्क मार्केटिंग का सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि लोगों को लगता है कि मुझे सिर्फ 4 जोड़ने,
मुझे समझ नहीं आता है आज तक दोस्तों। मैं कई साल नेटवर्क मार्केटिंग में बिता चुका हूँ, जितने प्रोस्पेक्ट से मिला हूँ, जब नए नई ज्वाइनिंग से मिलता हूँ ना, उन 99% लोगों को ये लगता है कि मुझे सिर्फ चार लोग जोड़ने या छह जोड़ने हैं बस। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नेटवर्क मार्केटिंग चार को जोड़ने का नाम नहीं है, चार को चार जोड़ने का नाम नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग चार से 40 करना,